मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कपास के व्यापारियों को कीमतों में हेरफेर से बचने या अनुचित लाभ कमाने के लिए जमाखोरी का सहारा लेने के प्रति आगाह किया है। उन्होंने एक बैठक में कपड़ा उद्योग की कंपनियों को संबोधित करते हुए कहा है कि कपास मूल्य निर्धारण के मुद्दे को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना से हल करने के लिए कहा गया है। कपड़ा वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कपड़ा उद्योग की अग्रणी कंपनियों से कहा है कि वे सरकार पर हस्तक्षेप करने के लिए दबाव न डालें। एक सरकारी बयान के अनुसार गोयल ने कपास गांठों के व्यापारियों को कीमतों में हेराफेरी करने या जमाखोरी करने के प्रति सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि विनिर्माण क्षेत्रों को विकास के लिए सरकारी समर्थन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि इस क्षेत्र में मजबूत विकास के लिए राज्य के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भरता ठीक नहीं है। उनका कहना है कि पहली बार किसानों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें अब अच्छे आधार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ कपास की बेहतर कीमतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कपास की गांठ और धागे के मूल्य निर्धारण के मुद्दे से किसी भी तरह से किसानों को मिल रहा बेहतर मूल्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत में कपास का उत्पादन 362,18,000 गांठ होने का अनुमान है। कपास सत्र 2021-22 के शुरुआती अक्टूबर में 73,20,000 गांठ के अनुमानित पिछले साल के बचे हुए स्टॉक के साथ हुई थी। देश में शुरुआती स्टॉक करीब 2.5 महीने की मिलों की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे बयान में कहा गया है कि कपास की कीमतें एमएसपी स्तर से लगभग 40% अधिक चल रही है, जो 8,500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,025 रुपए प्रति क्विंटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।